नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस YouTube वीडियो में हम उच्च माध्यमिक हिंदी का कहानी मलबे का मालिक का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक का पाठ। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतह दिना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारीन की भट्टी थी जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक ललाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़िया और लाला तुर्की टोपिया नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्लाह, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आफिस अली की दुकान भी थी ना? अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है और कहीं कहीं ऐसे भी बागे सुनाई दे जाते। वली, यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया? जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगल गिर होने लगते। ज्यादातर आगंतुकों से ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है? अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं? सुना है सहाल मी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहां का रिश्वत पूरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुरका बिल्कुल उड़ गया है, यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे जिनसे मिलकर और बातें को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बांसा
अमृतसर का एक उजरा सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहां ज्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थी, जो सबकी सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी चार चार छह छह घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार भाषा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चल गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचा कर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और कुछ फासले पर स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरी को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे, घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पेबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप रख कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होंठ बिसुर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बांह से पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बांह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चुमती हुई बोली, चुप कर, कसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, कह रही हूँ, चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश
خشک ہو رہا تھا اور گھٹنے تھوڑا کانپ رہے تھے۔ اس نے گلی کے باہر کی ایک بند دکان کے تختے کا سہارا لے لیا اور ٹوپی پھر سے سر پر لگا لی۔ گلی کے سامنے جہاں پہلے اونچے سہتی رکھے رہتے تھے، وہاں اب ایک 3 منزلہ مکان کھڑا تھا۔ سامنے بجلی کے تار پر 2 موٹی موٹی چیلیں بالکل جڑ سی بیٹھی تھی۔ بجلی کے کھمبے کے پاس تھوڑی دھوپ تھی، وہ کئی پل دھوپ میں اڑتے ذروں کو دیکھتا رہا، پھر اس کے منہ سے نکلا، یا مالک۔ ایک نو یوک چابیوں کا گچھا گھماتا گلی کی طرف آیا۔ بوڑھے کو وہاں کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا، کہیے میاں جی، یہاں کس لیے کھڑے ہیں؟ بوڑھے مسلمان کو چھاتی اور باہوں میں ہلکی سی کپ کپی محسوس ہوئی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور نیوک کو دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، تیرا نام منوری ہے نا؟ نیوک نے چابیوں کے گچھے کو ہلانا بند کر کے اپنی مٹھی میں لے لیا اور کچھ آشچرے کے ساتھ پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ 7.5 سال پہلے تو اتنا سا تھا، کہہ کر بڈھے نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ آج پاکستان سے آئے ہیں؟ ہاں، پہلے ہم اسی گلی میں رہتے تھے، بڈھے نے کہا۔ میرا لڑکا چراغ دین تم لوگوں کا درجی تھا، تقسیم سے 6 مہینے پہلے ہم لوگوں نے یہاں اپنا نیا مکان بنوایا تھا۔ او گنی میاں، منوری نے پہچان کر کہا۔ ہاں بیٹے، میں تم لوگوں کا گنی میاں ہوں، چراغ اور اس کے بیوی بچے تو اب مجھے مل نہیں سکتے، مگر میں نے سوچا کہ ایک بار مکان کی ہی صورت دیکھ لو۔ بڈھے نے ٹوپی اتار کر سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک لیا۔ تم تو شاید کافی پہلے یہاں سے چلے گئے تھے، منوری کے سور میں سنویدنا بھر آئی۔ ہاں بیٹے، یہ میری بدبختی تھی کہ میں اکیلا پہلے نکل کر چلا گیا تھا، یہاں رہتا تو اس کے ساتھ میں بھی۔ کہتے ہوئے اسے احساس ہو آیا کہ یہ بات اسے نہیں کہنی چاہیے۔ اس نے بات کو منہ میں روک لیا پر آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو نیچے بہ جانے دیا۔ چھوڑو گنی میاں، اب ان باتوں کو سوچنے میں کیا رکھا ہے؟ منوری نے گنی کی باہ اپنے ہاتھ میں لی۔ چلو تمہیں تمہارا گھر دکھا دوں۔ گلی میں خبر اس طرح پھیلی تھی کہ گلی کے باہر ایک مسلمان کھڑا ہے جو رام داسی کے لڑکے کو اٹھانے جا رہا تھا۔ اس کی بہن وقت پر اسے پکڑ لائی، نہیں تو وہ مسلمان اسے لے گیا ہوتا۔ یہ خبر ملتے ہی جو استریا گلی میں پیڑھے بچھا کر بیٹھی تھی، وہ پیڑھے اٹھا کر گھروں کے اندر چلی گئی۔ گلی میں کھیلتے بچوں کو بھی انہوں نے پکار پکار کر گھروں کے اندر بلا لیا۔ منوری گنی کو لے کر گلی میں داخل ہوا تو گلی میں صرف ایک پھیری والا رہ گیا تھا، یا رکھا پلوان جو کنویں پر اگے پیپل کے نیچے بکھر کر سویا تھا۔ ہاں، گھروں کی کھڑکیوں میں سے
और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चेहमेगोइया शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान, मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीबी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। यह मलबा, उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा, उसकी बांह को थोड़ा और सहारा देकर जर से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था, केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ दो जली हुई अलमारियां थी, जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है यह, और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से भी लखने की सी आवाज निकाली, हाय ओए चिराग दीना, जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर दो एक बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उनमें चेहमोगैया चल रही थी कि आज कुछ जरूर होगा, चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह एक मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था।
वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था, चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीबी जुबेदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबेदा किश्वर और सुल्ताना की हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जदोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भेड़ के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबेदा किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां सब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबेदा किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका था। अब 7:30 से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था। जहां न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न ही खुमचा लगाने देता था, उस मलबे से बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया? ओए, और भुरभुरे किवार से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया, यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठ आया जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया।
मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती में धोकनी की सी आवाज निकली और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर को फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है, उसके सारगिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग से घर घराई आवाज में कहा, मगर वह वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की टांगे थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोहरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोहरी की क्या सामर्थ्य है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठा कर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कस खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोहरी गनी की बांह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कस खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिक थी और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोहरी गनी की बांह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भरी भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं के सील पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में से मोगैया तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता, अब वे दिन नहीं रहे बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा का न हिस्सा है न गनी का, मलबा तो सरकार की मालकियत है। मर्दूद किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी बीबी बच्चों को मारा है, रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सील पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है, भरा पूरा घर छोड़कर गया था।
और आज यहाँ यह मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे, तेरा तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कस खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोक कर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके ओंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके ओंठ पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव महसूस हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहां साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जीत पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न हो, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बन आई तो रखे के रोके भी न रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोर पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतरियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और ओंठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से ओंठों के कोनों को साफ किया, साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देख कि पहलवान के ओंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए उसकी दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नजर से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर से मोगैयां चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का ताल्लुक कैसे खुश हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को
मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा कितनी अच्छी थी वह, रखे मर्दूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में सी स्त्रियां घरों से गली में उतर आई, बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2, 12, 13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते उससे पूछा, रखे साहब सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाई तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहां बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा तो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोग पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत 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 तत। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी, कमेटी की बात की बत्ती न होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। च्यू च्यू च्यू, चिक 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 चिक। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे उधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते मलबे के कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा, वो वो वो। कौवा कुछ देर समा सब चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दूर 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 दूर। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, वाह 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 वाह। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सील पर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट गया और वहां कोने में बैठकर गुड़ाने लगा। पाठ पूरा हुआ, धन्यवाद।